सबसे पहले तो उदयपुर के सभी पत्रकार भाइयों का मैं ऋषभ भानावत आर्ची ग्रुप की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको सुबह सुबह हम लोगों ने कष्ट दिया, उसके लिए सब वेलकम। अभी हम लोग एक अफोर्डेबल हाउसिंग का नए कॉन्सेप्ट को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं देवारी के बाद, तो उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए मैं संभव को अनुरोध करता हूँ कि वो आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल बताएं। थैंक यू। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताने से पहले ऋषभ जी भानावत जो हैं, इनका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जो आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे। इनके पास कम से कम 25 साल का सिविल इंजीनियरिंग और MBA करने के बाद में एक्सपीरियंस इसी लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में है। रो हाउसेस से शुरुआत इन्होंने की थी और बनाते बनाते अब ये बड़ी बड़ी टाउनशिप और दूसरे प्रोजेक्ट्स की होटल एवं दूसरे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग में लगे हुए हैं। ये है ओनर आर्ची ग्रुप के। अब मैं आर्ची ग्रुप के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि इसका क्या एक्सपीरियंस और क्या है। 20 साल से आर्ची ग्रुप का प्रेजेंस है कंस्ट्रक्शन लाइन में। इन्होंने लगभग 25 प्रोजेक्ट छोटे एवं बड़े कंप्लीट कर चुके हैं। 15 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा कंस्ट्रक्शन उदयपुर में इन्होंने किया है। मेनली उदयपुर में ही काम करते हैं और प्राइम लोकेशन पे ही काम करते हैं। आज तक इनका रिकॉर्ड है कि इनकी अनसोल्ड इन्वेंटरी, जो कि रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है आगे नहीं बढ़ पाने का, कि इन्वेंटरी अनसोल्ड रह जाती, इनकी एक भी इन्वेंटरी अनसोल्ड नहीं। आगे से आगे प्रोजेक्ट चालू होते ही इनकी बुकिंग आने लग जाती है और काम बनने लग जाता है। क्वालिटी में अगर आप जानते हो तो मेरे को नहीं लगता कि इनसे बेटर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उदयपुर में किसी बिल्डर की है, और ये सब मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। वेल नोन है, इसी फैक्ट की वजह से इनका एक भी अनसोल्ड इन्वेंटरी नहीं है। ये प्रोजेक्ट हमने और ऋषभ जी भानावत और संजय जी पांठिया, इन्होंने साथ में मिलकर करने का प्लान किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है आर्ची गैलेक्सी। संजय जी पांठिया का भी एक लंबा चौड़ा कारोबार है और ये कंस्ट्रक्शन में तो पहली बार आए हैं, बाकी इनका फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग वो दूसरा काम है। जब ऋषभ जी के साथ हमने प्रोजेक्ट करने का तय किया तो हमारी बात हुई कि हम EWS LIC कैसे करें, इसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज ऋषभ जी ने बोली कि करने का मन तो है, लेकिन कुछ ऐसा करें कि राजस्थान में ऐसा प्रोजेक्ट कभी कभी कहीं हुआ ना हो ना देखा हो। एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये इनका विजन था। यहां से हमने इसकी शुरुआत की। किचन और एक लिविंग रूम होता है, हमने इसमें दो बाथरूम का प्रावधान किया है ताकि जो लिविंग रूम में भी कोई अगर दो फैमिली रह लेती है, अगर 1 BHK में भी, क्योंकि किसी भी तरह के लोग लेते हैं तो उसमें इनको उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा बाथरूम हो। नॉर्मली किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग में 1 BHK में दो बाथरूम का प्रावधान नहीं होता है। लिफ्ट हम लोगों ने जो कोने की या अच्छे ब्रांड की लिफ्ट जो है हम लोगों ने वही लगाया, G+10 का हमारा प्रोजेक्ट है तो हर चीज ब्रांडेड है। टाइल्स मॉड्यूलर, हम लोग इसके अंदर मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता अफोर्डेबल हाउसिंग में लोग मॉड्यूलर किचन का भी प्रोविजन रखते हैं। अल्यूमिनियम सेक्शन की विंडोज है। अच्छा, एमिनिटीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 20,000 स्क्वायर फीट का ओपन गार्डन है जहां पे हम लोग एक्स्ट्रा टावर्स बना सकते थे, हमने वो नहीं बना के हमने ओपन गार्डन का दिया ताकि एक बार रहने वाले को कम से कम एक शांतिपूर्वक वातावरण का महसूस हो। कम्युनिटी हॉल, ओपन जिम, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, पावर बैकअप हम लोग DG प्रोवाइड करें पावर बैकअप के लिए, ताकि 10 माले तक की बिल्डिंग में कल को अगर कोई लाइट चली जाती है तो पावर बैकअप में आदमी कहीं अटक ना जाए, इससे हम पावर बैकअप के लिए DG भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मंदिर बना रहे हैं हम लोग, एक हमने ये सोचा है, ये हम सोचते यहाँ तक आ गए कि हम लोग इसमें एंड मोमेंट पे हमने डिसाइड किया है कि कोई रहता तो एक सीनियर सिटीजन पार्क और एक मंदिर होना चाहिए ताकि लोगों के लिए। अब इस प्रोजेक्ट में हमने इस प्रोजेक्ट को हमने RMGB बैंक से अप्रूव करा चुके हैं, अप्रूवल मिल चुका है हमको प्रोजेक्ट लोन का।
प्लस जो इसकी जो भी लोग बाग इसको खरीदते हैं तो आरएमजीबी बैंक के थ्रू आप इसकी फंडिंग करा सकते हैं, जो होम लोन्स की फंडिंग होती है वो करा सकते हैं। अब मैं इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बताना चाहूंगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला बेनिफिट ये है जो सरकार दे रही है लोगों को, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में 6.5% की सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी। यानी कि अगर आप लोन लेते हैं, आपका अगर लोन 8.5% या 9% पे पास होता है तो 6 लाख तक के लिए 6.5% तो सरकार आपको हाउसिंग बोर्ड से आ जाएगा आपके खाते में। आपको सिर्फ 2 से 3% के बीच में जो भी फाइनल रेट होती है उसी का आपको भुगतान करना। 15 साल तक के लिए आपको ये सब्सिडी मिलती है, जो कि अगर आप 15 साल का हिसाब जोड़े तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में बैठती है, 2,67,000 रुपए के आसपास बैठती है। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नॉर्मली रजिस्ट्री चार्ज जो रहता है, अपन अगर अपन रजिस्ट्री कराते हैं फ्लैट की तो वो 7% के आसपास रहता है, इसमें सरकार ने छूट दी है। इसमें 1 BHK में सिर्फ 1% की सबसे की रजिस्ट्री चार्ज है और 2 BHK में 2% है। तो लगभग ये 50,000 से लेकर 70,000 रुपए का बेनिफिट, ये भी जो आदमी इसको प्रोजेक्ट में खरीदेगा उसको ये भी बेनिफिट मिलेगा। वितरण चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने और इसकी बेसिकली लॉटरी सिस्टम से हम लोग कुछ महीने बाद आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स हम इसको लॉटरी सिस्टम से इसको फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। बाकी आगे की चीजों के लिए मैं ऋषभ जी से बोलूंगा या आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब ही देखिए डेफिनेशन थी कि जैसे कोई भी हाउसिंग बोर्ड बनाती थी, आवास विकास बनाती थी या यूआईटी बनाते थे, तो कोई भी जैसे उस कॉलोनी में जाता था तो उसको जैसे रहने के लिए जाता था सबसे पहले उसको अंदर तोड़फोड़ करना पड़ेगा। जैसे फ्लोरिंग हटा के नहीं लगानी, बाथरूम नया करना, नल चेंज करना, दरवाजे चेंज करने, ऐसा जनरली सभी जगह हुआ। मतलब अफोर्डेबल मीन्स इतनी कुछ कॉम्प्रोमाइज जैसा दिखता था, बट अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट हो जो मतलब आके किसी को भी लगे कि वाकई बहुत अच्छी चीज बनी है, ऐसा हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक बार मैं सबको नम्र निवेदन करता हूँ कि एक बार कभी भी मौका पड़े तो आप साइट पे जरूर बता दें। तो हमने क्या सैंपल क्लिप बना दिए वहां पे, जैसा हम बना के देंगे ऐसा हमने बना दिया, तो आप देखेंगे तो शायद आप हमको अप्रिशिएट करेंगे। और आगे हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन के लोग हैं जो भी हो उनको भी कुछ ऐसी चीज दें जो उनके लिए दुआएं मिले, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब तक सब अपने खुद के कमाने के लिए और इसके लिए तो सब कुछ कर चुके हैं, कुछ समाज के लिए भी कुछ अच्छा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस शुभ भावना से हम लोग ये काम कर रहे हैं और अगर अच्छा लगे तो आप जरूर आप पधार के हमको अप्रिशिएट जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम गैलेक्सी है। जनरली क्या होता है कि कोई अफोर्डेबल हाउसिंग या उसके लिए आप कैसे रेती ला रहे हैं? दूसरा एक और प्रश्न है कि जैसे इतने ब्लॉक बनेंगे तो उसमें पानी की व्यवस्था जो हर हर एक ब्लॉक में कैसे सप्लाई होगी उसकी? क्या सबकी अपनी पानी की टंकी होगी या चाहे जितना वापर सकता है? नहीं, वो सर इसमें ऐसा है कि अभी जैसे आरएमसी प्लांट में वो एक सेंड आ रही हो एमसेंड, तो हम लोग आरएमसी प्लांट से कॉन्क्रीट मंगवा रहे तो उसमें एमसेंड यूज कर रहे हैं, वो आपकी एक प्रोसेस सेंड है। अच्छा, तो, हाँ। और दूसरा ये कि पानी के लिए वहाँ अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा है, उसको हम लोग ये लिखा हुआ हमारे क्वेश्चन में, हम आरओ का पानी आरओ प्लांट लगाएंगे उससे प्रोसेस करके पीने का किचन में एक टैंक अलग से देंगे और बाकी नहाने का और बाथरूम में हर टावर के ऊपर वाटर टैंक बन रहे थे, उससे 24 आवर्स पानी की सप्लाई का हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं सबको, तो ग्राउंड वाटर से ऊपर सप्लाई करेंगे और सबको पानी मिलेगा। पानी की कोई वहां वैसे भी हम लोग ने 3 बोर के बहुत पानी की दिक्कत नहीं है, मतलब और पीने के पानी के लिए हम लोग पूरा आरओ प्लांट लगा रहे हैं, तो वो हर किचन में एक लाइन दे देंगे हम लोग। अफोर्डेबल हाउसिंग 3A 2015 3A के अंतर्गत
हम लोग कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर कोई भी इस फ्लैट ले तो उसको ये नहीं लगे कि मैं अफोर्डेबल या किसी कमज़ोर आय वर्ग के कुछ ऐसे मकान में आ रहा हूँ जहाँ जाने के बाद उसको कंफर्टेबल फील नहीं लगे। जनरली अभी तक जो भी गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स आए हैं हाउसिंग के रहने के लिए, तो उसमें जो EWS LIG मतलब अल्प आय वर्ग के लिए जो भी बनाए हैं उसमें जनरली ऐसा हुआ कि कोई भी आके रहने लगा तो उसको सबसे पहले प्लास्टर तोड़ना पड़ता, फिर दरवाजे हटाने चेंज करने पड़ते हैं, फिर टाइलें चेंज करनी पड़ती, नल चेंज करना पड़ता, फ्लोरिंग चेंज करनी पड़ती, सब कुछ चेंज करने के बाद वो फिर रह पाता है। और उसमें भी वो अपने फ्लैट के कर सकता बट पड़ोसी के फ्लैट का वो चेंज नहीं कर पाता है, बाहर का एम्बियंस चेंज नहीं कर सकता। ऐसी खूब सारी मुझे लगा कि ये तकलीफ़ें हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा एक मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर प्रोजेक्ट करूँ जिसमें कोई भी आके रहे तो दे फील वेरी कम्फर्टेबल, उनको इतना अच्छा लगे कि मैं किसी बहुत अच्छे घर में रह रहा हूँ। और इस प्रोजेक्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सबको इंस्पिरेशन मिलेगा और आने वाले टाइम में सभी गरीब या अल्प आय वर्ग को बहुत अच्छे घर मिलेंगे। ये मेरी पूरी मतलब शुभ भावना है, ऐसा मिलेगा और इसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा और बाकी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज इस टाइप की रहेगी तो ज़रूर मिलेगा। अब तक क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर कोई भी चीज़ बनने जाती तो गवर्नमेंट पॉलिसी के लीकेज इतने होते हैं कि एंड यूज़र तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती। एक इंडिविजुअल जो प्राइवेट बिल्डर है अगर वो अच्छा करना चाहे तो 100% करके बता सकता है। ये मेरी अपनी सोच। कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए। लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे तपता वो गीतों में। रंग ऐसा आज निखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पस्का।